गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्राणी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता, न वह व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी सुख नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान में दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केसे को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल तीन बृहस्पति बार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार त्रसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को सात दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पति बार था। रानी का बहन उस समय बृहस्पति बार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति बार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंख भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो
हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति बार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति बार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुनें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि आज बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पति बार आया तो उन्होंने व्रत रखा। कुशकार में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई, उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पति बार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान में पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाबरी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर ज्ञान दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल को यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी वापस से विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होगी, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा, वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के वापस बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों से जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम भी चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति बार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पति बार का व्रत करने चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भाई नहीं बचता जिससे भोजन का उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपना रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पति बार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति भगवान की पूजा का सामान भी ला जाएगा।
धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगे। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने लगा। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार व्रत किया। उस दिन से उसके भी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया कि तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य में सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उस हार खूंटी पर लटकी दिखाई नहीं दी। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारों ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दी। लकड़हारा जेल के विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कि उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करना, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा वहीं कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पतिवार ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। और राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाले, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग धर्मशाला है। तब नगर के सब लोगों कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ कि गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहां से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी रहो। रानी को आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा सुना। राजा के निश्चय किया कि मैं रोजाना में 3 बार कहानी कहा करूंगी और रोज व्रत किया करूंगी। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। उस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा भी सुनूंगी। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई।
आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगी। उसी समय किसान का माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र को सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घोड़सवार के पास पहुंची और उसने बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर फिर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे तुरंत ही बैल खड़ा हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज प्रातः राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पति बार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिन से किसान भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, यह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति बार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब वह राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी तैयारी हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपनी भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन की भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह सख्या पर सो गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हम सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे कहीं रह नहीं सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहकर जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई ने अपने साथ ला रहे थे तब टाल दी, उनके साथ न आई। और आज आपने भी आप भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार कहती हूँ कि तुम्हारे घर औलाद कैसे होता। बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति बार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है तथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उन सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में श्रद्धा भाव से गुरुदेव का पूजन एवं आरती श्री बृहस्पति देव की उन सभी की मनोकामना वैसे ही देवा जैसे स्वामी जयंती रानी और राजा बार की कथा का गुणगान किया। सभी इच्छाएं बृहस्पति देव छीने न जाने भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करे, ऐसा करने से नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका नमन करते हुए उनका जयकार बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, देव भगवान की जय। तुम्हें अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी
ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल सब पात की हरिता स्वामी सब पात की हरिता सकल मनोरथ दायकी सकल मनोरथ दायकी कृपा करो भरिता ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे स्वामी जो जन शरण परे प्रभु प्रकट तब हो कर प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खरे ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी पाप दोषी सब हरिता पाप दोषी सब हरिता भवि बंधन हारी ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सभी संशय तारो स्वामी सभी संशय तारो विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद आनंद सो ज्येष्ठानंद आनंद सो निश्चय पावे ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा बृहस्पति भगवान की जय।